अली भाई, हमने ट्यूब भी ले ली, हवा भी भरवा ली है और जो है अब इसको हम लेके पानी में कूदने वाले हैं। खेमे वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे लोग रुकने के लिए, भी खाने का इंतजाम हो रहा है। फुल उदम सुदम बीचिंग स्टाइल अभी हम खाने वाले हैं, खा ही रहा हूँ मैं। अभी हम नमाज पढ़ने आए मस्जिद में, यहाँ पे हमने एक सुराह ढूंढ ली है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कल हमें शुक्र करते हैं, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम फजल व करम करने वाला है। आज साहब हमें बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं सी व्यू घूमने, जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे मलेशिया में उसका नाम है पुडिक्सन, जहाँ पे साहिल समंदर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, वो पब्लिक के लिए इन्जॉय करने के लिए, तो हम वहीं जाने वाले हैं। हमने ये गाड़ी में सामान भी रख दिया है और हमारे पास से कितनी गाड़ी जा रही है? दो गाड़ियाँ जा रही हैं हमारे पास से, दो गाड़ियाँ जा रही हैं और जो है एक गाड़ी भी आने वाली, वो आए नहीं अभी तक, और जो है एक गाड़ी यहाँ पे रेडी खड़ी हुई है और इसकी डिग्गी के अंदर ही जो है माशाल्लाह हमने खाना भी रखा। खाने में हमारे पास बना है बिरयानी, जो कि हम पूरा भगोना हम वहीं खाएंगे, पहले वहाँ जाके खाना खाएंगे उसके बाद फिर हम नहाने जाएंगे। तो ये दिखाइए इसकी ड्रेसिंग, देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये जूते साइड से दिखा, साइड से ये देखो, ये इसने जूते नए खरीदे माशाल्लाह से, अच्छा लग रहा है बहुत। मेरी ड्रेसिंग दिखाओ, ये तो नॉर्मल ही लग रहा है जैसे, मैं कुछ ऐसे ही लग रहा हूँ, मैंने पीछे से कोई नहीं देखा। और बस कर, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंजॉय होने वाला है। नहाते हुए भी आपको दिखाएंगे और जो है कुछ स्लोमो सिनेमेटिक सीन्स भी आपके लिए करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे होता है वहाँ पे खेमे वगैरह भी लगे होते हैं, तो वो भी दिखाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो जुड़े हैं वीडियो के साथ, बस चलते हैं आगे। ये अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे आइस ले रहे हैं, क्योंकि जो है हमें इसमें बोतलें डालनी है। नीचे भी निकालूँ, ये सही है, ये निकालते हैं जमा। ओके, फटी हुई थी, लीक हो गई थी, हम दूसरे ले रहे कोई वाला ऊपर वाला। तो भाई अभी हम इस दुकान पे आए, हमें जो है आइस लेनी थी, क्योंकि आइस में फिर हम वो बोतलें वगैरह रखेंगे ठंडे पानी, मतलब पानी की, पानी ठंडा करने के लिए बोतलें हो गई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, तो उसके लिए भी जो है हमने ये लिए जो रखी हुई है। लेकिन अब इसको ले कैसे जाएंगे, कपड़े भी हमने पहने अच्छे अच्छे और जो है ये होती भी गीली है और वहाँ पर ये बाइक है सिर्फ, देख रखना है अभी, पहले हम बैठते हैं इसको, मैं यहाँ रख रहा हूँ, चलो मैं टांग निकल गया बस, एक मिनट को। आप देख सकते हैं मैं ऐसे बैठा हूँ, एक टांग जो सीट के ऊपर रख के, क्योंकि जो है मेरे हाथ में बर्फ है और बस ये गेट है, बाकी तो खैर है। ये हमारा स्टाइल ले सकते हैं हम लोग, ये जो टांग रखने की जगह ना, ये वाली इस पे रखा हुआ है मैंने बर्फ। भाई ये देख सकते हैं अभी जो है हमारी बर्फ़ की थैली फट गई है, क्योंकि हमने इसमें रखा हुआ था, देखिए यहाँ से फट गई है, ये निकल ली। तो अब हम इसको जल्द से जल्द उसमें डालते हैं, क्यूब्स बॉक्स जो होता है ना, तो वो इस गाड़ी में रखा हुआ है, तो पिघलने से पहले इसको डालना पड़ेगा उसमें ना। तो भाई क्यूब्स बॉक्स आइस बॉक्स इसमें है, तो अब इसी में जो हम बर्फ़ डालेंगे और इसी में भी कोल्ड ड्रिंक या पानी वानी जो भी होता है तो वो डालते हैं। We got some sprites for you. Yes. चलिए तो ओपन द बॉक्स, अनबॉक्सिंग कर लिया आपने? अनबॉक्सिंग कर लिया भाई, अंदर से कुछ ऐसा देख सकते हैं। सही है, तो इसी में डालते हैं बस। अच्छा अब इसमें ना साइडों साइडों में ये बर्फ डालो, बीच में हम वो रखेंगे, क्यों क्या है ये कैंस, बीच में कैंस आएंगे, हाँ, साइडों में बर्फ आएगी, अच्छा कैंस भी है माशाल्लाह, और ऊपर से भी फिर बर्फ डाल देंगे। यहीं से फाड़ दो, फाड़ दो थोड़ा ऐसे प्याज से, समय हाथ लगाओ, राधे के साथ हाथ लगाओ ना, पानी पानी से वो करना, कैंस तो लाओ पहले। हाँ तुम वो जाकर वो ले आओ, तो अभी से आपको बताएंगे कैसे हम कर रहे हैं भाई। तो भाई ये कैंस आ गए हमारे पास, ये टोटल जो है 12 कैंस है और ये स्प्राइट है, तो हम इसको ऐसे रख देंगे, ऐसी जगह बना के रख देंगे और यहाँ पे भी बर्फ़ भर देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे और ऊपर भी, ऊपर भी बर्फ़ भरेंगे, इसको पूरा पैक कर देंगे बर्फ़ से, पहुँचने पहुँचने तक सही चिल्ड हो जाए। हो गया भाई पूरा भरी है, इसमें पता नहीं चला इसके अंदर है, ऐसा लगा पूरी बर्फ़ भरी है। ये इसको अभी इसमें जो है हमने बोतलें भर दी हैं, बर्फ़ भी भर दी है, इसको बंद करेंगे। और ये कहाँ से भर दी, मतलब कैंस रखे ना,
तो ये बंद भी हो चुका है। अब ये जो है कुछ तो अब बंद हुआ, तो अब ये हम इसको सीवी जाके खोलेंगे, प्रोडक्शन जाके, और वहीं पर ही खाएंगे जब तक, क्योंकि 100 किलोमीटर रास्ता है मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब तक तो दो से तीन घंटे का रास्ता है मतलब, तो जब तक जो है आराम से ठंडी भी जाएंगी और जो है मज़ा भी आ जाएगा। अभी हम गाड़ी में बैठने वाले, एक ही गाड़ी है, सब भी आ चुके हैं, बंद कर दो भाई, तो अब चलते हैं सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मंदिर है भाई। तो भाई अभी हम नमाज़ पढ़ने आए मस्जिद में, यहाँ पे हमने एक सुराह ढूंढी है। तो भाई फाइनली हम मस्जिद में आ चुके हैं, सुराह छोटी सी सुराह है, ये देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, और हम सीयू तकरीबन पहुँचने वाले, तकरीबन पहुँच गए उसके एरिया में, लेकिन हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी क्योंकि अज़ान हो गई है। तो अभी हम सुराह में, माशाल्लाह अच्छी मस्जिद है छोटी सी है। सारिम साहब ये भी हैं, ये खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है। बस मैं वज़ू करता हूँ, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अपना साहिल समंदर की तरफ रवाना होता है। वो दिख गया अभी, मतलब रास्ते में दिखता है, दिख रहा था अभी ना, क्योंकि हम पहुँच ही गए तकरीबन उसके करीब। यहाँ पर ये थी वज़ू करने की जगह, ये देख सकते हैं आप नल लगे हुए, लेकिन पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा था, वज़ू भी नहीं किया था। अब से मतलब सही हो गया सामने बोले, लेकिन पानी वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा था। तो बस चलते हैं, आ जाओ भाई। तो खैर अभी हम चलते हैं दोबारा अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। पहली जो गाड़ी थी वो तो पहुँच गई है, मतलब आधी फैमिली हमारे पहुँच गई है, आधी बाकी है, तो हम भी बस पहुँचने वाले जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं, पहले खाना खाना है या तो जो है पहले नहाना है, देखते हैं जो भी होता है। गाड़ी हमारी आ चुकी है भाई। चलो साहिम साहब आगे बैठे हैं, हम पीछे बैठे। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए दरवाज़ा देखिए बंद हो गया, वो गाड़ी पार्क कर दी फाइनली, गाड़ी हमने यहाँ पार्क करी है, और वो सामने पूरा जो है बीच है, ये नवीद साहब जा रहे हैं ये ट्यूब लेके, तो उस हम रोड क्रॉस करके वहाँ चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। पहले हम खाना खाएंगे बिरयानी, उसके बाद समुंदर में कूदेंगे, ऐसे कूदेंगे मज़ा। प्लीज भी गिरा दिया करो। यहाँ पे सारी ट्यूब्स वगैरह मिलती हैं, अब यहाँ पे हमें हवा भरवानी है इस ट्यूब में, तो देखते हैं। यहाँ की ये पतंगे हैं भाई, ये देख सकते हैं पतंगे, मैं आपको दिखा दूँगी, ये देख सकते हैं यहाँ की पतंगे ऐसी होती हैं भाई। तो खैर अभी हम ट्यूब में हवा भरवाएंगे, भरवाना मैं अभी हवा भर दी है, बाकी ये देख सकते हैं आप लोग और भी ट्यूब हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं ये ट्यूब, क्योंकि वहाँ पर है ट्यूब ऑलरेडी, वो भर रही है हवा। फाइनली भाई हमने ट्यूब भी ले ली, हवा भी भरवा ली है, और जो है अब इसको हम लेके पानी में कूदने वाले। ये देख सकते हैं आप लोग इतनी कुछ इसमें अच्छी खासी हवा भर गई है, तो अब ये यूज़ करने के काबिल है। खेमे वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे लोग रुकने के लिए, ताकि धूप वूप से बच सके। इतने पूरा साहिल समंदर है, वो वहाँ जाना है भी हमें नहाने के लिए, ये रोड है सामने साहिल समंदर है। बस पहले बिरयानी खाते हैं, उसके बाद जो है साहिल समंदर पर ज़्यादा नहाने। अभी खाने का इंतज़ाम हो रहा सारा, और जो है नवीद साहब फुल उदम शुदम बीचिंग स्टाइल बीचिंग स्टाइल में माशाल्लाह, ये शॉर्ट वॉट फूल वाली शर्टें दिखा, गोली भी सीनियर बेल्ट का ही इन्होंने। हमारी बिरयानी माशाल्लाह से, बिरयानी हमारे पास, और खैर अभी बिरयानी वगैरह खाते हैं क्या भाई। अभी हम कैन लेंगे अपना, क्योंकि हमने इसमें रख दिया था, देख सकते हैं पानी की बोतल भी है, वैसे अभी ठंडा हो गए, हाँ काफ़ी ज़्यादा ही ठंडे हो गए। नवीद तो मैं तो निकालूँ, तो ये नवीद की भी एक ले लेते हैं, तो हैं बंद। तो भाई अभी हम खाने वाले हैं, तो ये खा ही रहा हूँ मैं, और जो है पेट भी थोड़ा भर गया मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बनी थाली बहुत ज़्यादा। ए बिरयानी है, तहारी है बिरयानी हो रही है, तो बस अभी हम थोड़ी देर में और जो है फिर चलते हैं साहिल समंदर पे और नहाते मिल गए। अभी हाथ धोएंगे जरा, बिस्मिल्लाह। ओके काफी।
जूते खराब ना हो जाए इसमें, खैर साफ हो जाएंगे। फाइनली अब हम जो है बीच पे आ चुके हैं और जो है इसकी मिट्टी वैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और पानी जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। नॉर्मली पानी जो है ये जो छतरी है ना यहाँ तक भी आता है, इसकी लहर है ना, सही बोलो ना, ऐसे होता है। हाँ लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पीछे लगी है। तो खैर हम अभी जाए खाएंगे और बिरयानी खाएंगे, पहले बिरयानी खाने के बाद हम जो है अपने इस समंदर में कूदेंगे जाके और आपको दिखाएंगे कितनी गहराई है वो भी दिखाएंगे और जो है कुछ छलांगे छलांगे भी लगाएंगे, सिनेमेटिक सीन्स बनाएंगे आप लोगों के लिए। सुबह फाइनली अब हम जो है आ चुके हैं बीच पे, बर्फ़ खरी आ चुके हैं नहाने के लिए। ये नवीद साहब हैं, इनकी तस्वीरें वगैरह खींच गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सामान उन्होंने रख के आएगा, फिर हम नहाने जाएंगे। ये पानी जो है ना यहाँ तक की कुछ भी नहीं है, वहाँ से आगे देख रहे हैं आप लोग आधे आधे, मतलब वहाँ से आगे जो है गहरा है ज़रा। तो भाई यही पूरा साहिल था, यहाँ पर ये बोटें भी हैं, मतलब आप इसमें जो है क्या कहते हैं वो बनाना बोट भी है, उससे भी लोग बैठेंगे सवारी करेंगे। ये वाली भी है, तो दो बंदों की शायद। तो ये है भाई मलेशिया का प्रोडक्शन, मैं आपको आसपास का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक और आइलैंड भी है, वो देखें वो अलग से एक आइलैंड है, ये पूरा एक अलग से आइलैंड है, वो देखें ऊपर जहाज़ आ रहा। और पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पे हट्स वगैरह बने हुए हैं, तो वहाँ पे रुक भी सकते हैं। लेकिन जो है हम अभी कुछ हम मगरिब तक चले जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं पानी के अंदर तो भाई लेके जा नहीं सकता, तो हम नहा वाले हैं उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। और क्योंकि अभी मेरे पास ना जो है गैजेट्स हैं उसके वाटर प्रूफ वगैरह के, तो मैं रिस्क कोई नहीं ले सकता, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह और मैं कोशिश करूँगा कि गैजेट्स लूँ ताकि आपको जो है अच्छी पानी के अंदर भी चीज़ें दिखें। स्विमिंग पूल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे तो हम मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये बड़ा रिस्क वाला काम है। तो बस हम नहाते करते हैं और जो है मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके भाई, तो भाई फाइनली हम नहा वहाँ के आ गए। हमारी हालत अभी कुछ बुरी हो रही है क्योंकि समंदर से नहाने के बाद जो ऐसे ही होता है, कपड़े भी बदल लिए हमने फाइनली। बहुत मज़ा आया वैसे तो, लेकिन मज़ा तो आता है समंदर में नहाने का, लेकिन जो है एंड में जो हाथ धुल जाती है क्योंकि कपड़े बदलने के लिए पूरा वहाँ से लेके पूरा एंड तक जाना पड़ता है, पूरी पट्टी, तो उसमें हाथ धुल जाती है। लेकिन खैर हमने बदल भी लिया है, जूते भी मैंने उतार दिए, वहीं रख दिए, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो पहनूंगा। तो खैर आज के लोग हम ये ख़त्म करते हैं, एक मिनट अभी नहीं करो। तो आज के लोग हम ये ख़त्म करते हैं, तो आपने सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए हाफिज़। ये पीछे पूरा प्रोडक्शन है भाई, सही ना भाई? ओके भाई, हाफिज़। उधर से पापा।